हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, हमारी जो प्रकृति है वो अनेक प्रकार की औषधियों से भरी पड़ी हुई है। कई औषधियाँ तो ऐसी है जो हमें हमारे घरों के आसपास ही दिखती है, पर हमें उनके गुणों का कुछ अता पता होता नहीं है। ऐसी ही एक औषधि है ये पान के पत्ते। ये बेल के रूप में ज़मीन में फैले होते हैं। कई लोग इसे सहारा देकर ऊपर भी चढ़ा देते हैं। ये जो पान के पत्ते हैं ये एक बहुत ही विशेष औषधि है, जिसे पूजा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हमारे घरों में पूजा होती है तो पंडित जी हमें कुछ पान के पत्ते रखने के लिए ज़रूर कहते हैं। ये पान के पत्ते अपने औषधीय गुणों के कारण ही बहुत ज़्यादा पूजनीय हैं। दोस्तों, आज हम इन्हीं पान के पत्तों से जो होने वाले फ़ायदे हैं उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अपच की या कब्ज की समस्या रहती है, उनका पेट साफ नहीं होता है, तो सुबह पान के दो पत्ते पानी में भिगोकर पानी के साथ में चबा चबा कर खाने से उनकी जो ये अपच की समस्या है, कब्ज की समस्या है, ये बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको दांतों से जुड़ी कोई समस्या हो, जिस प्रकार से मसूड़ों में सूजन, दांतों से खून आना, पायरिया की समस्या, तो ये पान के पत्ते इसमें बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। इसीलिए पुराने ज़माने से कई लोग पान का सेवन खाना खाने के बाद भी करते थे, और इसीलिए हमें भी पान का सेवन करना चाहिए। इसमें थोड़ा सा चूना और थोड़ा सा कत्था लगा के अगर पान को रोज़ाना रात में खा लिया जाए तो जो भी आपकी दांतों से जुड़ी समस्या है, दांतों से खून आना, मसूड़ों में सूजन होना, पायरिया की समस्या या मुंह से दुर्गंध आना, इन सब में ये बहुत ज़्यादा ही लाभकारी औषधि का काम करता है। दोस्तों, ये जो पान के पत्ते हैं ये आपका स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि पान के पत्ते खाने से तनाव कम होता है, माइंड रिलैक्स होता है, जिसके कारण डिप्रेशन की प्रॉब्लम कम होती है। पान की पत्तियाँ एंटीबायोटिक्स की तरह भी काम आती है। अगर किसी को चोट हो जाए, कहीं चोट लग जाए, खरोच लग जाए या फिर कहीं घाव बन जाए, तो इसकी पत्तियों को पीसकर नारियल तेल में लगाकर अगर उसे उस जगह पर लगाया जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और घाव बहुत जल्दी सूख जाता है। अगर पैरों में सूजन भी हो तो इससे उसकी मालिश करने से भी जो समस्या है आपकी दर्द की, वो भी उसमें भी बहुत राहत मिलती है। पान के पत्तों में सौंफ, इलायची, मुरब्बा इत्यादि डालकर भी खाया जाता है। इसे मुखवास के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, पान की बेल को घर में लगाना बहुत ज़्यादा ही आसान है। अगर आपको इसकी बेल मिल जाती है तो इसे आप पानी में जिस प्रकार से मनी प्लांट लगाया जाता है उस प्रकार से भी लगा सकते हैं और ये जड़ पकड़ लेता है, या फिर आप इसे गमले में भी लगा देंगे तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है और बहुत आसानी से इसे ना किसी खाद की ज़रूरत होती है, ना ही बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, और आसानी से ये आपके घर में फैल जाएगा और आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा इसके पत्तों को लेने के लिए। दोस्तों, इसी प्रकार की आयुर्वेद से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है तो आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। थैंक यू।